रीवा जिले में इन दिनों अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। आए दिन चोरी, लूट, हत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे जिले में जमकर मादक पदार्थों की अवैध बिक्री हो रही है। लगातार हो रही घटनाओं से जहां क्षेत्र के लोग दहशत में हैं, वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बढ़ रही घटनाओं की मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि पुलिस प्रशासन आम जनता की चिंता छोड़कर राजनैतिक विरोधियों को बचाने और फंसाने में व्यस्त है। अगर 24 घंटे में जिले में लूट, मारपीट, चोरी, हत्या की घटनाओं के संबंध में बात करें तो चौराहा थाना क्षेत्र में है, जहां एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकिया स्थित मोबाइल टावर के सामने लूट की घटना घटित हुई, जहां प्रकाश कुशवाहा के साथ अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल और नकदी छीन लिया। पीड़ित घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़े नहीं जा सके। इसी तरह सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कबाड़ी मोहल्ले में रहने वाली सुमन सिंह चौहान के घर चोरी की वारदात हुई है, जहां घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा लिया। पीड़ित पुलिस को सूचना दी, लेकिन अभी भी नतीजा कहीं नहीं निकला। चौथी घटना चौराहा थाना क्षेत्र के सिमरिया बनकुइया रोड में घटित हुई है, जहां राजेश तिवारी के साथ बदमाशों ने मारपीट करते हुए जमकर तोड़फोड़ की है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसके चलते पीड़ित दहशत में है। दूरदराज के साथ साथ शहर में भी बदमाशों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब दिन दहाड़े लूट की घटनाएं घटित हो रही हैं। समान थाना क्षेत्र के संजय नगर मोड़ के पास कपिल सिंह परिहार नाम के युवक से बदमाशों ने मोबाइल छीनकर रफू चक्कर हो गए, और जब तक पीड़ित कुछ समझ पाता तब तक वह आंखों से ओझल हो गए। शाहपुर थाना क्षेत्र में भी दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के देवरा में शिवा साकेत और वीरेन साकेत के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूसे चले। दोनों पक्षों की शिकायत पर फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना शुरू की है। आइए आपको दिखाते हैं चौराहा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। घटना घटी है, दुकान से जा रहे थे 8 बजे, तीन लोग रास्ते में मिले। पिंटू उसका नाम था, एक का अंकित, एक का गोरे, ये मिले। लूट के इरादे में थे, जब उनके पास कुछ पैसा था, मोबाइल था, जो कुछ भी था, और मारने लगे। ये जब मारा बचाव के कारण दूसरा दौड़ा उनकी तरफ, तो उनको भी मारे। इसके बाद जब वो बिल्कुल गिर गया तो दूसरा वाला बड़ा वाला लड़का भाग के फ़ोन लगाया घर के लाने। इसके बाद जब वो फ़ोन लगाया तो गांव वाले आए, और जब वो जाने के वो लड़का मर गया तो भाग दिए गाड़ी में जल्दी से। इसके बाद जब वहाँ अस्पताल आए तो डॉक्टर साहब बोले कि ये मर चुका है। इसके बाद जो अब गांव वाले सब आ गए, और ये जो मामा शिवराज सिंह चौहान जी का जो नियम कानून है वो कहाँ गया यार? बुलडोजर वाला नियम कहाँ गया यार? लोग क्या चाहते हैं ये बताइए। बुलडोज फांसी हो, बुलडोजर उनके घर में चले, जब तक का वो अरेस्ट नहीं होगा, उसके घर का अरेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ से लाश नहीं जाएगी। कलेक्टर में धरना धरेंगे। 20 साल का लड़का है। और जो मृतक उनके क्या नाम है? मेरे बच्चे वो दुकान से जा रहे थे, रास्ते में हो गया, फंगे लोग मार दिए। कहाँ पे ये दुकान? ये बजे वहाँ है, शारदापुरम में। कितने बजे घटना है ये? 8:30-9 के बीच की है। क्या इरादा था उनका? अब इरादा आप क्या बताएं सर, मैं तो था नहीं वहाँ पे। घटना कहाँ पास की है? ये रिमारी के पास की है। क्या लगता है, कुछ पुराना विवाद वगैरह थे? ऐसा तो कुछ नहीं था, पड़िया मोड़ था, मतलब विवाद कुछ नहीं था पुराना। जिनको चोट लगी वो क्या करते थे? वही डेयरी में रहते थे, डेयरी काम करते थे। पड़िया मोड़ के पास कल रात में करीबन 9:30-10 बजे के बीच कुछ व्यक्तियों ने नीतीश यादव नाम के एक लड़के को के साथ मारपीट करी थी, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। आरोपियों की तलाश बदारती की जा रही है, बहुत जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। हाँ, आरोपियों के नाम सामने आए हैं, अपन उनको बहुत जल्दी राउंड अप कर लेंगे। कुल मिलाकर अगर यह कहें कि जिले में गुंडा राज कायम हो रहा है और रीवा भी पुराने बिहार यूपी का रूप लेता जा रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। नमस्कार।